कैसे हैं आए बच्चे होंगे तो हमेशा की तरह एक वीडियो। और तो गाइस मैं आज आपको बता दूं, काफी देर के बाद यूएमडी वालों ने मैं छोटा सा अपडेट दिया था कल कल या परसों। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं यूएमटी का अल्टीमेट एमटीके टूल के बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ गाइस, उसके अपडेट के बारे में बता देता हूँ। और काफी अच्छा टूल है यूएमटी, आपने अगर यूज कर रहे हैं तो हमेशा उसके अपडेट के साथ बने रहें, और यूज नहीं कर रहे हैं तो जरूर आप ले लें, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए मैं इसके अपडेट के बारे में बता दूं। इसका जो अपडेट आया हुआ है यूएमटी का वर्जन 5v5, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट द अल्टीमेट एमटीके टूल, यहाँ पे ये अपडेट आया हुआ है। इसके अपडेट के बारे में मेन जो इसका अपडेट है कि डीएफ फाइल को आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। जो इसका वन क्लिक का टैब था, मैं भी जो टैब भी आपको दिखाऊंगा, जो एमटीके का वन क्लिक का टैब था इन्होंने एडिट कर दिया है। वहां पे कस्टम डीए आप उसको यूज कर सकते हैं। काफी सारे जो एरर्स थे, कुछ मॉडल्स भी यहाँ पे प्रो F17, प्रो F15, और यहाँ पे सारी चीज नोट 10, 5G, ये सारी चीजें इन्होंने एडिट किया हुआ है। सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, बहुत अच्छा अपडेट करते रहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली मैं बताऊँ, चलो मैं इंटरफेस में आपको समझा देता हूँ तो शायद आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाए। अब इसे कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं, अगर आप टूल जानते हो कैसे डाउनलोड करते हैं वहाँ से आप कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, चलिए इसको फटाफट इंस्टॉल कर देते हैं। ये इस टाइप का आपका दिखाई देगा, तो गाइस इसको आपको कर लेना है इंस्टॉल। तो मैं यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यूएमटी यहाँ पे 5.0 वर्जन इसका है आया हुआ है। ये देखिए, अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको पता चल जाती है कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बनाता हूँ। छोटी सी वीडियो है, अपडेट वीडियो है गाइस। तो ये फटाफट मैं यहाँ पे इसको नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आप भी इसी तरीके का इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप तो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा सकते हैं, और फॉलो बटन और शेयर जरूर करें, जिससे हमारे हमें बूस्ट मिलता रहे, और बूस्ट मिलता रहेगा तो गाइज आपको भी हम ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो ये अपडेट वीडियो है छोटी सी, कि इसमें क्या अपडेट इन्होंने किया हुआ है। और यूएमटी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप यूएमटी पहले से यूज कर रहे हैं तो हमेशा अपडेट के साथ जुड़े रहे, और अगर आपने कभी भी यूएमटी यूज नहीं किया है तो गाइस आप ले लें। और हमारी काफी वीडियोस को इंस्टॉलेशन कैसे करना है, ये सारी चीज मैं यहाँ पे तो मेंशन कर ही रहा हूँ। तो ये अपडेट हो जाएगा, और अपडेट होने के बाद आपको मैं यहाँ पे बस फटाक से अभी खुल जाएगा, और खुलने के बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे बस हो गया लीवस का ड्राइवर, तो यहाँ इसको कर देना है, आपको कैंसिल कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, फिनिश कर देना है। और यहाँ पे आपको सेटअप ये है, सेटअप को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट सेटअप को ओपन कर लेते हैं गाइस। अभी कुछ नया इंटरफेस करके इसके अपडेट के बारे में आया, टूल अभी थोड़ा इस टाइप का दिख रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और से मैं अभी आपको ओपन होने के बाद दिखा देता हूँ गाइस की इसका इंटरफेस और क्या अपडेट हुआ है। तो बस एक छोटा सा वीडियो है गाइस, और ऐसे ही आप अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। तो देख सकते हैं डायरेक्टली हमारा मीडियाटेक का V5 वर्जन खुल चुका है, अल्टीमेट एमटीके टूल। तो पहले आपने जब इंटरफेस को ध्यान दिया होगा गाइस, तो यहाँ पे वन क्लिक में या फिर टूल एंड फार्मी में डीए सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता था। तो आप देख सकते हैं कस्टम डीए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डीए यहाँ पे जो ऐड इन्होंने किया हुआ है गाइस। बाकी और एक टैब पहले यहाँ पे टू लेटर पार्किंग में था, एनवी रैम एनवी डाटा को यहाँ पे देख सकते हैं, एनवी रैम एनवी डाटा को रिस्टोर करने का, फॉर्मेट करने का ऑप्शन यहाँ पे था अलग से, पर इन्होंने इसी टैब में यूज कर दिया है फॉर्मेट एनवी रैम एनवी डाटा को भी आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये धीरे बाय धीरे, जब ये न्यू आया था तो केवल इसमें फॉर्मेट का ऑप्शन था और रीड इनफो का ऑप्शन था, और इस सारी चीजें फिर FRP जुड़ी, फिर रिसेट एमआई अकाउंट जुड़ गया, डिसेबल एमआई अकाउंट बेटा जुड़ गया, फिर उसके बाद पैच एनवीरन पैच एनवीरन डाटा 6 से जुड़ गया, फिर आपका फॉर्मेट जुड़ गया। इस सारा इंटरफेस यहाँ पे एक एक चीज करके ऐड होते जा रही है, बहुत अच्छा है। वन क्लिक है, इसमें कोई ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा चीज यहाँ पे कर रहे हैं। कस्टम डीए पार्टीशन में भी इन्होंने बहुत अच्छा कनेक्ट कर दिया, ऐसे आप रीड राइट कर सकते हैं, यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बैकअप सिक्योरिटी डम्प के रूप में, आपके रूप में सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो एक छोटी सी वीडियो थी गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। इसका जो मेन टॉपिक था ये इंटरफेस इन्होंने ऐड किया, ये इंटरफेस इन्होंने ऐड किया, ये सारा चीज यहाँ पे बहुत अच्छा वन क्लिक का है। आप यूज करते होंगे तो ऐसे ही अपडेट हम जुड़े रहे, नहीं करते हैं तो आप हमारे और भी वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। We'll be right back.